राजस्थान में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो देखकर आपको भी अफसोस होगा। सुविधा कर्मी प्रत्येक बार जयपुर आते हैं लेकिन उनको निराशा हाथ लगती है। हमारे साथ कुछ सुविधा कर्मी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आज फिर आपको जयपुर आना पड़ा, क्यों? बिल्कुल सर, हम आज यहाँ पर आए हैं अपने पेट की लड़ाई के लिए आए हैं, जो कि पूरे राजस्थान को पता है और राजस्थान सरकार भी जानती है इस बात को कि हम संविदा कर्मचारियों के साथ बुरा कर रहे हैं। उन्होंने जो 10 साल 20 साल तक जो काम किया उसके बदले उनका जो अनुभव शून्य करके उनकी नई नौकरी कर रहे हैं, जबकि कुछ जो हमारे संविदा कर्मी बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब है। फिर भी सरकार जानती है हमें गुमराह कर रही है, थोड़े दिन बाद सरकार का समय खत्म हो जाएगा और उसके बाद हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, बस इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। जयपुर में आप लगातार आते रहते हो, सरकार आपकी बात नहीं मानती, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार लगातार आपको नकार रही है? आप लगातार वार्ताओं का दौर भी चला, आज पूरे दिन आप जिस तरीके से वार्ताओं का दौर रहा, वार्ताएं विफल भी नजर आ रही हैं। देखो, ये तो सरकार ही जानती है कि वह ऐसा क्यों नहीं करना चाहती, जबकि इससे पहले भी 2008 में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने प्रबोधक बनाए हैं और सरकार के सामने रास्ता भी उसी रास्ते को अप्लाई करते हुए हमें नियमित कर दिया जाए। सीधी सी बात, सरकार सिर्फ एक आदेश निकालेगी और हम सभी को नियमितीकरण मिल जाएगा। कितने लोग हैं जो सुविधा कर्मी प्रदेश भर से? प्रदेश भर से यहाँ 4 विभाग के कर्मचारी हैं। स्टार्टिंग में हमारी जो 3 कैडर की लड़ाई थी जिसमें राजीव गांधी पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर और शिक्षा कर्मी, ये 3 कैडर थे। और मैं एक और बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए, जहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और उन्हीं के पिताजी के नाम पर राजीव गांधी पैरा टीचर, जो कि अब तक संविदा पर जब से लगे हैं उनको 22 साल हो गए, और राजीव गांधी के नाम से, गांधी के परिवार के नाम से, जो गांधी परिवार जिसने देश को आजाद कराने के लिए देश को आजाद करा दिया, और उन्हीं के नाम से जो पैरा टीचर लगे, राजीव गांधी पैरा टीचर, वो गुलाम है। गांधी ने देश को आजाद कराया और राजीव गांधी के नाम से पैरा टीचर 22 सालों से गुलाम है। सरकार को शर्म आनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए राजस्थान के गांधी को, जो राजस्थान का गांधी अपने आप को बताते हैं, उनका लकब है माननीय अशोक गहलोत जी का, देख लो आप, मीडिया कर्मी भी जानते हैं सभी। प्रदेश भर से ये लोग आए हैं, इनकी मांग कब तक मानी जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके का इन लोगों में गुस्सा और जिस तरीके से ये सड़कों पर बात आने की कह रहे हैं, उससे लगता है यही है कि राजस्थान सरकार के सामने भी चुनौती रहेगी। और सरकार जब आंदोलन कोई उग्र होता है तो वो बड़ा रूप लेता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये तो जो सोचने वाली बात सरकार के सामने भी रहेगी, चुनौती भी इनके सामने रहेगी। कोई भी नुकसान अगर इस आंदोलन के दौरान होता है तो वो सरकार की जिम्मेदारी रहेगी, और सरकार की जिम्मेदारी इसलिए भी रहेगी कि लंबे समय से ये लोग अपनी सुविधा कर्मी परमानेंट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार इनको जिस तरीके से लपेटती हुई नजर आ रही है, एक फुटबॉल बना कर रखा है। कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार, जिस तरीके से इनको चुनावों में महज उपयोग में लिया जाता है और जिस तरीके से इनको दरकिनार कर दिया जाता है, वो सोचने वाली बात सरकार के सामने भी रहेगी।